घूमने के अपने सफर में आज मैं आ गया हूँ एक ऐसी जगह पर जिसका नाम है द क्रिस्टल कासल। द क्रिस्टल कासल ये एक एंट्री गेट है क्रिस्टल कासल का, और क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक क्रिस्टल का ही एक कासल बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं खूब सारे क्रिस्टल्स दिखाऊंगा। जगह ये बायरन बे के अंदर है और इसे जूल ऑफ बायरन भी बोलते हैं, जो इसके फाउंडर हैं जिन्होंने इसे स्थापित किया, इसे बनाया, इस जगह को वो क्रिस्टल्स अलग अलग जगह से ला करके फिर बनाया। जो इनके इसके जो जो संस्थापक हैं, जो इसके जो फाउंडर मैं कहूँ, संस्थापक कहूँ, या जिन्होंने सेटअप किया वो बोलूँ, उन्होंने इसको इस जगह को एक बैरन लैंड था, ये मतलब कुछ भी नहीं था यहाँ पर, उसे ज़ीरो से स्टार्ट करके एक क्रिस्टल कैपिटल टाइप बना दिया। तो वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिस्टल्स हैं जो, और सबसे अच्छे सबसे सुंदर क्रिस्टल्स हैं वो इस जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो 9 बजे से लेके 5 बजे तक डेली, 7 डेज आप कभी भी आ सकते हैं। इस जगह का जो मैप है वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी वीडियो के अंदर ही कि आपको यहाँ पर कैसे पहुँचना है। तो मैंने ऑनलाइन टिकट्स बुक की थी, मैंने और निधि ने, और निधि कैमरा मैन है आज की, हमने टिकट्स ऑनलाइन बुक की थी। और हमने फिर जैसे यहाँ पर एंट्री की, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस एरिया में होगा। मलम्बिम भी एक पास में एक छोटा सा टाउन था, वहाँ से हम सीधा यहाँ पर आए, बायरन से मलम्बिम्बी, मलम्बिम्बी से यहाँ पर। और एंट्री गेट पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये एक क्रिस्टल कासल बना हुआ है येलो कलर का, इसके ऊपर छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं जो छोटे तो नहीं कहूँगा मैं, क्रिस्टल के लिहाज से काफ़ी बड़ा साइज़ है, बट इस साइज़ का कोई कंपेरिजन नहीं है उन क्रिस्टल्स के साइज़ से जो कि आपको अभी अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये क्रिस्टल कासल है एंट्री पर। यहाँ से मैं आगे चलता हूँ और अपने इस सफर में, इस विजिट में आपको दिखाता हूं कुछ अच्छे अच्छे क्रिस्टल्स। तो एंट्री करते ही जो सबसे पहला अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा वो है ये स्मोकी माउंटेन। ये छोटा सा जो एरिया है इसे अभी बनाया गया और इसके अंदर रखा है एक 500 किलो का पत्थर, लगभग 500 किलो का, ये स्मोकी क्वार्ट्स है। स्मोकी इसलिए क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखेंगे, वैसे मुझे ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, आई डोंट नो कि कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब ट्रांसल्यूसेंट है ये, हल्का सा अंदर मैं देख पा रहा हूँ, और जो अंदर है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे एक स्मोक अंदर कैप्चर हुआ पड़ा हो। तो इसी वजह से इसका जो नाम है वो स्मोकी क्वार्ट्स रखा गया है। ये जो एरिया है इसका वो पॉलिश किया गया है ताकि आप लोगों को या जो भी विजिटर्स हैं वो यहाँ पर देख सके कि अंदर एक स्मोकी अपीयरेंस है। तो ये 500 किलो का लगभग पत्थर है, और ये जो पत्थर है वो है क्वार्ट्स का। क्वार्ट्स ये काफ़ी रेयर पत्थर है, और ये भी वो भी इतने बड़े साइज़ में 500 केजीज़ का पत्थर है। तो स्मोकी क्वार्ट्स बहुत रेयर है और उस पत्थर को यहाँ पर रखा गया। तो ये पहली अट्रैक्शन है यहाँ पर जिसका नाम है स्मोकी माउंटेन। Do you have $14,000? No, $14,000. पूरा जो एरिया है अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल से भरा हुआ है। ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टोन है, और इस स्टोन को जो है वो कट किया गया दो पीसेस में, जो दोनों साइड पर लगाए हुए पीसेस, ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप देखो तो अंदर बहुत ही प्यारे क्रिस्टल्स हैं। ऑल्दो ये पूरा एक खुद ही एक क्रिस्टल है एक, बट अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ही प्यारे शाइनी से जो है वो क्रिस्टल्स हैं जो मौजूद हैं। तो एक पूरा स्टोन है ये जिसकी कटिंग की गई है, तो जो इसकी आर्म है, जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है वो ये है, और जो राइट साइड वाला पार्ट है वो ये है। तो बहुत ही सुंदर एक अच्छी सी एंट्री बनाई हुई है। रास्ते में जैसे जैसे चल के आप अंदर जाते रहते हैं, जगह जगह पर तरह तरह के कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें हैं और नए नए स्टोन्स हैं, उनकी कार्विंग्स हैं। कहते हैं ना कि क्रिस्टल्स के अंदर एनर्जी होती है, काफ़ी लोग मानते भी हैं कि क्रिस्टल्स से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। काफ़ी लोग हाथ में स्टोन्स पहनते हैं और गले में भी स्टोन्स पहनते हैं, घर में भी क्रिस्टल्स को रखते हैं। तो मुझे भी यहाँ पर इस तरह का एक पॉजिटिव सा बड़ा फील हो रहा है एनवायरनमेंट, ऐसा कोई जादू चमत्कार नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली यहाँ पर एक, क्योंकि बहुत ही काम सूदिंग सा एनवायरनमेंट है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और ऑब्वियसली क्रिस्टल्स तो हैं ही, बहुत अच्छे हैं। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर ये देखिए दो जो स्टोन्स हैं, ये पर्पल
कलर का जो अंदर है अगर आप देख पाओ तो बहुत शाइनी सा इसका एक मतलब बैकग्राउंड है, आप देख पाओ अंदर पूरा क्रिस्टल्स का है ये, इसको कट किया गया और फिर ये देखिए आप इसको पॉलिश किया गया, कट करके और पॉलिश किया गया, बहुत ही प्यारा एक पतला सा स्टोन है ये, जिसे एक एरिया एक सेक्शन स्टोन का बेसिकली कहूँ मैं, जिसे काटा गया, बहुत ही प्यारा है और बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं यहाँ पर, यहाँ पे आपको मैं क्वार्ट्स दिखाता हूँ, ये स्फेरिकल क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स जो कि स्फीयर है एक गोल आकार में, इसे पॉलिश किया गया और इसे एक स्फीयर के आकार में बना करके रखा गया है। इसी के साथ अगर आपको और दिखाऊं, ये वाला जो मुझे बहुत प्यारा लगा, इसके अंदर मेरा शायद फेस भी आ जाएगा अगर मैं फिट करूं, शायद से मेरा फेस आ गया होगा। तो ये स्टोन है जो, ये भी बहुत प्यारा है और ये भी कट किया गया है एक स्टोन को, ऑब्वियसली इधर वाला एरिया अलग, इधर वाला एरिया अलग और ये बीच का जो एरिया, तो अंदर बहुत ही पर्पल सा एक बहुत शाइनी अच्छा कलर आ रहा है इसका, और रिफ्लेक्शंस जो पड़ रही है उसने तो चार चांद या मैं कहूँ लाखों क्रिस्टल लगा दिए हैं। और इसी के साथ ये साथ में एक और भी है, ये बनाना के आकार में, देखो मेरे खुद की जो हाइट है, मेरी हाइट से भी लंबा ये जो है पूरा क्रिस्टल का जो कट है, मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। इसके अंदर मैं तो फिट नहीं आ पाऊँगा, बट हाँ अगर थोड़ा पतला हो जाऊँ तो डेफिनेटली ट्राई भी करूँ। एक ये हमारे डायनासोर महाराज भी यहाँ पर हैं, इनका एक सर जो है वो एक क्रिस्टल के से कट करके रखा गया है, तो ये भी पूरा क्रिस्टल का कार्व्ड है जो, अगर इसका डायनासोर का जो फेस जो बनाया गया है, ये भी एक स्टोन है जिसे कि काव करके डायनासोर के आकार में इधर रखा गया है। और अगर मैं इसे पास से देख रहा हूँ तो मुझे सन की जो रिफ्लेक्शन इसके ऊपर पड़ रही है उसकी वजह से कुछ कलर्स अंदर दिख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कैमरा के अंदर भी मतलब जो रिकॉर्ड हो रहा होगा ये सब ना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जगह है। और एक ये भी है, इसे अगर दिखाऊँ मैं आपको, ये भी क्रिस्टल्स हैं, ये देखिए ये काफ़ी बड़े साइज में हैं, इनको भी कट किया गया है, ऐसे काव किया गया है पॉलिश करके, मतलब कट तो नहीं कहूँगा मैं, इन्हें पॉलिश करके फिर यहाँ पर रखा गया है। बहुत सुंदर लग रहे हैं, पूरा एक जो पीस है ये बहुत ही बड़ा और हैवी है, अब मुझे नहीं पता कि किस तरह से लाए होंगे, बट हाँ ये पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज से, मेनली ब्राज़ील से, इस यहाँ के जितने भी पत्थर हैं उनको लाया गया है। बहुत ही सुंदर एरिया है, काफ़ी बड़ा है, देखने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए यहाँ पर ना। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो स्टोन है वो, और ये इसका जो नाम है वो है द एनचैंटेड केव। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो एक केव की आकार में बनाया हुआ, बड़ा ही पीछे एक पीसफुल सा म्यूज़िक चल रहा है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एमेथिस्ट जियोड है, एमेथिस्ट पत्थर का नाम है और मतलब एमेथिस्ट जियोड पत्थर है ये, तो जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एमेथिस्ट जियोड है जो नोन है अब तक वो ये है। एक तरह की गुफा है, अगर आपको मैं दिखाऊँ इधर, बहुत ही प्यारा अंदर से, और ये छोटे छोटे लाखों क्रिस्टल से बना हुआ है, छोटे छोटे लाखों क्रिस्टल्स हैं, इस एक केव है ये, इसीलिए इसका नाम है एनचैंटेड केव नाम रखा गया। अभी शायद बैठने के अंदर परमिशन नहीं है, वरना यहाँ पर बैठकर बहुत ही अच्छा सा एक साउंड है जो इन्होंने म्यूज़िक चलाया हुआ है वो बहुत प्यारा लगेगा, अंदर सराउंड साउंड टाइप आ रहा है। और अगर मैं बाहर से देखूँ, ये मान लीजिए इस पे ये पूरा जो कट किया है इन्होंने ये फुल हो अगर, तो मुझे देखने में ये सिर्फ एक आम पत्थर लगेगा, बट जैसे ही इस पत्थर को काटा गया, इसे तराशा गया, अंदर आप देख ही सकते हो, ये चमत्कार से कम नहीं है, ये प्राकृतिक जो चमत्कार है वो है, बहुत ही सुंदर पत्थर है और आप देख ही सकते हो। अब मैं आ गया हूँ नेक्स्ट सेक्शन पर, इस नेक्स्ट सेक्शन का नाम है द पीस डोम। नरेन किंग जिन्होंने इस जगह को बनाया, जहाँ पर सारे क्रिस्टल्स को अलग अलग जगह पूरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से ला करके रखा, नरेन किंग ने क्रिस्टल्स के आने से पहले भी इस जगह को, इस डोम को जो है वो बेसिकली बनाया था। मैं अगर अपने हिंदुत्व या फिर सनातनी भाषा में कहूँ तो एक ध्यान लगाने का एक केंद्र है यहाँ पर जो है, जो ये डोम है, सेंट्रल डोम
अगर आप देखोगे अंदर यहाँ बैठने की जगह है, सब लोग यहाँ पर बैठ करके ध्यान लगा सकते हैं। एक डोम है बेसिकली पूरा, एक देखोगे ऊपर आवाज़ मेरी अंदर गूंज रही है। यहाँ पर जाना बिना शूज़ के अलाउड नहीं है, तो अभी मैं नहीं जा रहा, और क्योंकि यहाँ पर कोई सेशन चल भी नहीं रहा है। आमतौर पर यहाँ पर सेशन चलता है, आप जब भी आओगे इधर तो 1:30 या 2 बजे के करीब आपको यहाँ पर एक साउंड सेशन है जो कि रखते हैं बुद्धिस्ट, जो है जो साउंड एक बॉल होता है बड़ा सा है इनका रखा हुआ, और साउंड वेव से कुछ हीलिंग टाइप करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। पूरे एरिया के अंदर जगह जगह पर हिंदू देवी देवताएँ हैं, जो हिंदू देवी देवता और बुद्धिस्ट कल्चर से तो ये पूरा इंस्पायर्ड है ही जो लगता है, बट हाँ हिंदू देवी देवता हैं उनका भी यहाँ पर प्रतिमाएं देखने को मुझे बहुत सारी मिल रही हैं, जैसे लक्ष्मी जी हों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे गणेशा हो या फिर श्री वेंकटेश्वरा हों, तो देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा सा एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट है और मुझे मज़ा आ रहा है। यहाँ पर वेंकटेश्वरा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लोगों ने यहाँ पर क्योंकि पूजते हैं, क्योंकि इन्हें मानते हैं, तो उन्होंने कुछ कॉइन्स हैं जो वो भी यहाँ पर रख दिए हैं। अब ये देखो मुझे इतने सारे बैग्स भी कैरी करने पड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कैमरा या इक्विपमेंट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो सब कुछ लेकर के आए हैं। यहाँ पर भी आप देखो श्री वेंकटेश्वरा, ये देखो देवी श्री, ये है गोडेस ऑफ बाली से जो है मूर्तियाँ, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये बाली से मूर्तियाँ लाई गई हैं। ये मूर्तियाँ जो हैं ये सब बाली से लाई गई हैं, बाली के अंदर ये है देवी श्री के नाम की जो गोडेस है वो ये उनकी प्रतिमा है, और आप देख ही सकते हो कि कितनी अच्छी स्टोन की कार्विंग है, बहुत ही अच्छा वर्क किया हुआ है इसके ऊपर। और मैंने भी आशीर्वाद लिया देवी श्री से जो कि बाली की से हैं, और मैं आगे बढ़ता हूँ। ये पत्थर जो कि क्वार्ट्स का है, और क्वार्ट्स क्रिस्टल बॉल है ये, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा ये घूम कैसे रहा है, क्योंकि नीचे से सिर्फ पानी आ रहा है, पानी का प्रेशर होगा ऑब्वियसली। और ये जो कार्विंग है बड़ी अच्छी सुंदर सी कार्विंग की हुई है, और ये जो बॉल है, ये बॉल नहीं मतलब पत्थर है, हर होगा 300-400 किलो का आराम से, बट हाँ ये घूम रहा है इसके ऊपर क्योंकि पानी का प्रेशर इतना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये फाउंटेन है यहाँ पर, ये भी दिखाई गई है। साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलादीन स्टैन के नाम से इधर एक शॉप भी है, इस शॉप के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और जैसे कि अगर आप कुछ भी लेना चाहें स्टोन की कार्विंग्स वगैरह, जैसे कि आप स्टोन्स खरीदना चाहते हो, स्टोन की मालाएं, नेकलेस, ज्वेलरी, व्हाटएवर, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी आपको। और इधर एक अगर मैं साथ में इधर दिखाऊं आपको तो यहाँ पर एक बड़े से स्टोन्स हैं जो कि क्रिस्टल्स हैं बेसिकली, ये भी वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था आपको उसी तरह की कटिंग है, काफ़ी बड़े हैं ये, इनफैक्ट मेरी हाइट से डबल होंगे ये वाले, तो ये भी सेम वैसे ही हैं इस तरह के। वैसे अगर बार बार क्रिस्टल मुझे देखने को मिल रहे हैं तो मैं बोर हो जाऊंगा क्योंकि बार बार सेम क्रिस्टल दिख रहे हैं, बट हाँ हर क्रिस्टल या हर पत्थर जो भी आप उसे बोलो अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि सबका अपना अपना साइज़ है, अपना अपना शाइन है, अपनी अपनी एनर्जी है। हाँ पतला है कोई, ये देखिए आप जैसे अभी थोड़ा शेप में पतला है, बट हाँ इसके अंदर क्रिस्टल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं और बहुत शाइनी हैं, तो ये दोनों ये उसी के लिए। यहाँ पर एक शॉप भी है, अगर आपको स्टोन्स खरीदने हैं, आप स्टोन्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हो, आपको बहुत अच्छे लगते हैं स्टोन्स, तो आप ख़रीद भी सकते हो। तो कुछ एक स्टोन्स हैं जिनके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा, ये लगभग बड़े कम प्राइस वाले जो स्टोन्स हैं वो दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये स्टोन है, ये स्टोन ऑलमोस्ट $12,000 का है अगर किसी को परचेज़ करना हो तो, ये इतना सा स्टोन है बट $12,000 इसकी कीमत है, क्योंकि नेचर ने इसको बहुत अच्छे से बनाया है और यहाँ पर पहुँचाया है यहाँ के जो संस्थापक हैं उन्होंने, और इसकी कीमत कुछ रखी है, तो ये $12,000 के करीब का है। और भी मैं बाकी भी स्टोन्स आपको दिखाता हूँ तो जिनकी कीमत है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। जैसे कि ये वाला जो स्टोन है इसके ऊपर इसका प्राइस टैग नहीं है, ये इसके ऊपर भी नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है। अभी आगे चलते हैं, कुछ खाने पीने की जगह हैं वो भी हैं यहाँ पर। ये वाला जो स्टोन है ये लगभग $5,600 का है, और ये बहुत ही ये सस्ता लगा मुझे, ये वाला $2,500 का जो है वो स्टोन है, और 20% डिस्काउंट है, ये $13,000 का स्टोन है और अब मिल रहा है $3,000 का, ऑल दो ये $13,000 का है, 75% ऑफ है इस पर। इसी तरह के जो बाकी स्टोन्स यहाँ पर रखे हुए हैं इनके भी अलग अलग प्राइसेस हैं जिन्हें कि आप परचेज़ कर सकते हैं। मैं सबसे महंगे वाला ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि सबसे महंगे वाला कितने का है यहाँ पर, बट ये सारे ऑलमोस्ट सभी के सभी ये जो हैं वो सेल पर हैं। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो ये जो आप स्टोन देख रहे हो ये $55,000 का है, सो दिस इज़ वर्थ $55,000, सो इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन।
तो ये यहाँ पर एक जो है खाने का एरिया जिस पर हम आ गए हैं, और आप इधर कुछ भी जो है वो अच्छा वीगन और मैं कहूँ अगर ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर वो इंडियन प्लेट है काफ़ी फेमस यहाँ की, तो वो खाने लगा था, बट क्योंकि डिमांड काफ़ी है उसकी तो वो ख़त्म हो गई। और इन्होंने अंदर खाने के साथ आप देखोगे तो क्रिस्टल्स भी रखे हुए हैं, तो ये क्रिस्टल्स हैं जो ये पूरा थीम दिया हुआ है इस जगह को क्रिस्टल का। और खाना बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा है यहाँ पर। क्रिस्टल्स बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और यहाँ पर सच में बहुत बड़े बड़े हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े पत्थर हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया के सबसे बड़े जियोड्स, ये वाले, ये दुनिया के सबसे बड़े जियोड्स हैं। और 5.5 meters जो है वो इसकी हाइट है। सो इंडिविजुअल दो ये पत्थर हैं, हर एक पत्थर की जो हाइट है वो 5.5 meters के करीब है, और ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। यहाँ बहुत अच्छी फोटोज़ आती हैं, आप भी ज़रूर लीजिएगा। अब मैं आ गया हूँ इस अट्रैक्शन के नेक्स्ट सेक्शन में, और इस सेक्शन का नाम है शंबाला ऑर्गेनिक फूड गार्डन्स। तो ये शंबाला गार्डन्स है, यहाँ पर जो भी आप फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मतलब आप देख रहे हो ना फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फ्लावर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो एडिबल चीज़ें हैं जो उगाई गई हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक है, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। इसके अंदर कोई किसी तरह का फर्टिलाइज़र या किसी तरह का कोई भी वीडिसाइड, जो भी हर्बिसाइड जो यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ नहीं है, केमिकल यूज़ नहीं किया हुआ इन्होंने, सब नेचुरल तरीके से उगाते हैं। इस जगह का इसलिए इन्होंने नाम रखा हुआ है शंबाला ऑर्गेनिक फूड गार्डन्स। तो ये बहुत ही अच्छा पीसफुल सा एरिया है। तो ये जो यहाँ पर पत्थर आपने देखे अभी, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े जियोड हैं, ये जो दो स्टोन्स हैं, तो इन स्टोन्स के जस्ट साइड में ही एक ये छोटा सा इनका गार्डन है, कि जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और अच्छा है। अभी शायद इतना सीज़न नहीं है तो इतने वेजीज वगैरह मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट मुझे, मैंने पिक्चर्स में देखा है और दूसरी वीडियोस में भी मैंने देखा था, तो बहुत सुंदर जगह है। नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर ये बैम्बू के जो हैं वो प्लांट्स हैं, जो बैम्बू, इसे ट्री कहूँ या प्लांट कहूँ मुझे नहीं पता, बट ये बैम्बू ट्रीज़ बोल दूंगा मैं, ये बैम्बू ट्रीज़ हैं बहुत सारे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनका जो जो एक तरह से जो कहूँगा कि कर्व सा बना हुआ, फनल सा बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही में बहुत प्यारे प्यारे ट्रीज़ हैं, बहुत अच्छी खुशबू है यहाँ पर। नीचे केले हैं वो लगे हुए हैं उधर, ये पूरा जो एरिया है बहुत अच्छा एक गार्डन स्पेस बनाया हुआ है। और ये तो मैंने आपको दिखाया ही था जो स्टोन्स थे काफ़ी बड़े बड़े जो भी हैं। तो इस अट्रैक्शन का जो नेक्स्ट सेक्शन है, जो नेक्स्ट एरिया है, वहाँ पर मैं आ गया हूँ, और ये जो बहुत बड़े जो जियोड्स थे वो मेरे राइट साइड पर हैं, जो दो स्टोन्स थे। और इसके अगर मैं राइट साइड पर आपको अपने लेफ्ट पे, मतलब आपके राइट पे दिखाऊं, तो यहाँ पर है एक अच्छा सा एरिया जिधर इन्होंने ऑर्गेनिक फूड्स, मतलब फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, जो भी हैं, जो प्लांट्स हैं सारे, वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए हैं। और इधर इसका नाम रखा हुआ इन्होंने शंबाला फूड गार्डन्स। और ये जो शंबाला फूड गार्डन्स है, ये पूरा एरिया जो है सब ऑर्गेनिक खेती से यहाँ पर है सब कुछ जो किया जाता है। इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये बैम्बू के जो प्लांट है, बैम्बू ट्रीज़ हैं, ये बैम्बू वाले हैं। फिर नीचे उधर केले हैं, यहाँ से एक्सेस नहीं है अभी, हम नहीं जा सकते इधर से, बट हाँ यहाँ पर सारे जितने भी प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी हैं, सब लोग, सब चीज़ें जितनी भी हैं यहाँ पर सब ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर अंदर, क्योंकि मैंने स्टोन्स भी देखे हैं यहाँ पर, अब ये भी देखा, सब एक तरह से, एक मैं कहूँगा एक इंडियन, नेपलीज, भूटानीज, इसी तरह का ही कल्चर है, जो टोटल मिक्स सा जो कल्चर है जो यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो भूटानीज और इंडियन, मतलब जो कल्चर है उससे ही रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, भले ही वो स्टोन्स हो या फिर अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क्स की तरह जो भी पद्धति है वो सब हो, दलाई लामा ने यहाँ पर है जो सारी चीज़ों का जो अंदर है, मेडिटेशन वगैरह उनका सबका उद्घाटन किया था। स्टोन्स हैं वो अलग अलग जगह से लाए गए हैं, बहुत सारी जगहों से, और एरिया को बहुत सुंदर बनाया गया है। ये पपीता, पपीते का पेड़, और बाकी नीचे अगर मैं देखूं तो यहाँ फ्लावर्स हैं, यहाँ पर गेंदे का फूल है जैसे, यहाँ पर इधर ये बेल हैं दो तीन किसी चीज़ की मुझे पता नहीं, केले के पेड़ हैं, फिर यहाँ पर ये बैम्बू प्लांट है, या सभी ऑर्गेनिक तरीके से बनाए, उगाए, लगाए गए हैं। और इधर फ्लावर्स हैं अगेन गेंदे वाले, और फिर उधर ये घिया वगैरह की बेल काफ़ी दूर मुझे दिख रही है, और यहाँ पर फ्लावर्स ही हैं मोस्टली ना। नीचे वाला सेक्शन है जो वहाँ पर केले वगैरह, उधर वेजीज वगैरह वो हैं, बट ऊपर वाले एरिया में यही हैं।
तो ये हैं दुनिया के सबसे बड़े जियोड्स, एक दो पत्थर जो कि कट किए गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े जियोड्स हैं जिनकी हाइट है ऑलमोस्ट 5.5 meters। दोनों के दोनों ऑलमोस्ट इक्वल जो है हाइट के हैं। देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल्दो जिस टाइम मैं आया हूँ अभी दोपहर के टाइम, वो सन उस साइड है, तो सन के उस साइड होने की वजह से जो है कि वो रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं पड़ रही, बट मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि मॉर्निंग टाइम पर जब सन उस साइड होता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा, कितना ग्लिटरी अंदर से लगता होगा। बहुत ही सुंदर पत्थर हैं और मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर आओ तो ज़रूर फ़ोटो खिंचाना, क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े जियोड्स हैं। तो अब मैं आपको मिलवाता हूँ यहाँ पर विराजमान गणपति जी से। ये गणपति जी की प्रतिमा है, यहाँ पर है, लगी हुई है। इधर भी लोगों ने कॉइन्स हैं जो मैं देख पा रहा हूँ वो रखे हुए हैं। प्रतिमा को मैं टच नहीं करूँगा क्योंकि सिवाय चरणों के, ये गणपति जी के चरण कमल। तो गणपति जी की जो प्रतिमा है यहाँ पर विराजमान है, कहाँ से लाई गई है, कैसे यहाँ तक पहुँची, इसके बारे में मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी भारी है जो पत्थर है, जो मुझे लगता है वो काफ़ी भारी है ये। और बहुत ही सुंदर है, अच्छे से जो पत्थर है उसको कार्व किया हुआ है और एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा के रूप में इसे यहाँ पर लगाया गया है। तो हिंदू देवी देवताओं की, बुद्ध जो है, बुद्ध मान्यता के जो भी चीज़ें होती हैं उनकी, और नेपालीज हैं, काफ़ी कुछ है ये यहाँ पर। एक बड़ा अच्छा स्पिरिचुअल सी जगह है, मज़ा आ रहा है यार घूम कर। अब चलते चलते यहाँ पर और भी जो हैं हिंदू देवी देवता हैं वो दिख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी की भी प्रतिमा इधर है। अभी आपने जैसे गणेश जी को देखा जो सबसे पहले जो प्रवेश किया हमने, तो गणेश जी को देखा। अब यहाँ पर है लक्ष्मी जी, इस बारे में इसके लिखा हुआ है यहाँ पर, और लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जी हैं जो फॉर्च्यून, प्रोस्पेरिटी और विजडम की जो है वो प्रतीक हैं। बट ये काफ़ी सारा लंबा लिखा है, बट ये जो है ये मूर्त देखिए, आप इसका साइज़ देखिए, मतलब मेरी हाइट से आप कंपेयर कर सकते हो कि कितनी बड़ी है। बहुत ही सुंदर है, ये भी शायद बाली से ही लाई गई है। तो गणपति जी उधर थे, यहाँ पर लक्ष्मी जी विराजमान है। यहाँ पर मैं आगे अगर चलूँ तो यहाँ दो रास्ते बढ़ जाते हैं, बट ये इधर अगर आपको दिखाऊँ तो ये फोसिल गार्डन है। ये जो है ये फोसिल हैं, हज़ारों मतलब लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे थे वो जो दब गए थे मिट्टी में, नीचे दब गए थे, तो उनके वो फोसिल बन गए थे। तो ये डायोक्साइड है जो कि स्टोन ऑफ अर्थ कनेक्शन है। बहुत ही सुंदर पत्थर है ये, इसके अंदर भी बीच में मैं देखूँ तो क्रिस्टल्स हैं। काफ़ी सुंदर कार्विंग है, कार्विंग तो नहीं, नेचुरल कार्विंग है ऑब्वियसली। बहुत सुंदर है ये पत्थर, और इसको अगर देखूं तो मुझे देखने में जैसे ट्रांसफॉर्मर्स का जो डिसेप्टिकॉन टाइप सा लग रहा है। ये भी फॉसिल ही है और इसके अंदर भी छोटे छोटे ये स्टोन हैं। तो बहुत ही सुंदर है ये भी, ऑब्वियसली बार बार सुंदर 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 बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सुंदर ही लग रहा है सब कुछ। तो ये मुझे ट्रांसफॉर्मर्स के डिसेप्टिकॉन जैसा लग रहा है। फॉसिल गार्डन में ये दो चीज़ें हैं और भी हैं, काफ़ी सारी यहाँ बैठने की जगह है, बट मुझे बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर, हर चीज़ अच्छी लग रही है। और ये है जायंट ट्रेजर चेस्ट। जायंट ट्रेजर चेस्ट मतलब एक जो खजाने वाला जो वो पेटी होती है ना, ये वो है जायंट ट्रेजर चेस्ट। और ये देखो आप खुल है भी ऐसे इस तरह से, जैसे एक वो होता है ना सीपी होती है, सीप होता है तो जिसमें मोती होते हैं वो खुला हो, तो ये जायंट ट्रेजर चेस्ट है। और ऑब्वियसली ये ट्रेजर ही है, इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, तो ये भी इस तरह से खुला हुआ है। इसमें क्लाइम नहीं कर सकते, लिखा हुआ है स्पेशल मेंशन है, कैमरा से मॉनिटर्ड है हर चीज़, बट बहुत ही सुंदर है। अंदर शाइनी क्रिस्टल्स हैं, बहुत अच्छे से वो ग्लो कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा साइज़ है इस पत्थर का, अब आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ तक लाने में कितनी स्ट्रगल की होगी इस पत्थर को। तो बहुत सुंदर है, अच्छा है जायंट ट्रेजर चेस्ट। ये जो नेक्स्ट सेक्शन है ये लोटस में जो है वो बुद्धा को रखा गया है, वो सेक्शन है। ये मूर्त भी जो बुद्धा की मूर्त है ये भी बहुत दूर से आई है, बाली से आई है। इनफैक्ट वहाँ पर जो है बाली में इसको किसी मंदिर में रखा जाना था, परंतु इसके अंदर छोटा मोटा कोई डिफेक्ट था, इस वजह से वहाँ पर नहीं रखा गया। पर जो
परमात्मा होते हैं, भगवान तुल्य लोग होते हैं, उनकी मूर्त में कभी डिफेक्ट वगैरह ही नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूँ। कोई चीज़ डिफेक्ट नहीं होती, जिसके अंदर जैसी एनर्जी होती है वो रहेगी रहेगी, चाहे उसमें छोटा मोटा कुछ छेड़खानी हो या टूट गया हो या कुछ भी हो। तो बहुत ही सुंदर है ये भी, ये लोटस है देखो, ये पत्थर से ही बनाया गया है ये सारा जो भी है पूरा, ये बहुत सुंदर है। और ये बीच में पानी है, पानी के अंदर ये जो लोटस के ही जो प्लांट्स हैं वो रखे गए हैं यहाँ पर, अभी नहीं है कोई भी। तो ये बुद्धा की जो मूर्त है, आप इसका हाइट देख सकते हो कि कितनी बड़ी है, और पीछे जो है बैम्बू के जो है वो प्लांट हैं सारे लगाए गए हैं। और यहाँ पर इस पेड़ के पास अगर आप देखोगे, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड होता है, जैसे आप कभी लासा वगैरह उस साइड गए हो तो आपको ये सब देखने को मिलेंगे, गुड लक के लिए ये सब लगे होते हैं। एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता इनका क्या रीज़न होता है। इसके अंदर मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ मछलियाँ भी हैं, ऑरेंज कलर की बहुत ही सुंदर मछलियाँ हैं। इधर पानी है जो वो लगातार फ्लो कर रहा है, वहाँ से नीचे गिर रहा है। बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जो दूसरे धर्म हैं, जो भी रिलीजियस काफ़ी जो है आस्पेक्ट देखने को मिलता है, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये सर्कुलर पैटर्न में यहाँ पर पत्थर रखे गए हैं, इनको रखा गया इधर, और इधर जो है वो महात्मा बुद्ध की ये मूर्त लगाई गई है। इसके पीछे अगर आप देखोगे तो बैम्बू के जो हैं वो प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं। तो एक बड़ा अच्छा सा एक एनवायरनमेंट सा क्रिएट किया हुआ है इधर, एक स्पिरिचुअल सा। तो ये बुद्ध की जो है मूर्त लगाई गई है। तो वहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो मूर्त है, प्रतिमा है, वो उधर है। और वहाँ से अगर चलकर हम आते हैं इधर, तो यहाँ पर ये सेक्शन है विंग्स टू इटर्निटी के नाम से। इधर तीन पेयर्स के अंदर जो है वो पत्थर को कट करके रखा गया है। तो ये बिल्कुल छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए फोटोग्राफी का बेसिकली, जिनको शौक हो वो फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। और मेनली बनाया भी ये इसीलिए गया था कि यहाँ पर फोटोज़ अच्छे से क्लिक कर सकें। अब मैं तो थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, तो इसीलिए ये मेरे लिए ठीक नहीं है। और ये वाला जो है, ये भी अगर मैं बैठ कर खींचाऊँ तो इस पर भी मेरे विंग्स अच्छे स्टोन्स वाले आ जाएंगे। और ये जो थर्ड है, ये मुझे लगता है मेरे को ये एकदम मुझे सही साइज का विंग बनेगा इसका। और ये जो विंग्स टू इटर्निटी है, ये यहाँ पर स्टोन्स के जो विंग्स हैं, क्रिस्टल के जो विंग्स हैं, वो लगाए गए हैं। तो फोटो ज़रूर खिंचाना यहाँ पर। अब हम आ गए हैं इस जगह के नेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पर मौजूद हैं नंदी जी। नंदी जी को आप जानते ही हैं, नंदी महाराज हमारे जो शिव जी के वाहन हैं, ये नंदी जी हैं। इनकी भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुंदर प्रतिमा जो है वो लगाई गई है। नंदी जी का चरण स्पर्श कर हम आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भी लोगों ने कॉइन्स जो हैं वो रखे हुए हैं, जो कि अलाउड नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल लोग अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो है वो रख कर चले जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं, वहाँ पर हार्ट्स शेप में कुछ शायद क्रिस्टल्स हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि उधर लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। स्टोन्स हैं जो उनको एक पर्टिकुलर शेप में लगाया गया है, वो है हार्ट की शेप। ये हार्ट की शेप में जो स्टोन है इसे कट किया गया है, दो स्टोन्स हैं यहाँ पर। और ये एक अच्छा सा एक फ़ोटो खींचने की एक जगह बनाई गई है यहाँ पर। ये दोनों स्टोन्स बहुत ही पर्पल कलर के ही हैं। ऑलमोस्ट सारे जो स्टोन्स हैं वो सेम से ही मुझे इधर लग रहे हैं अभी। ये वाला थोड़ा स्ट्रेट है, क्योंकि बाकी सबको अगर मैं देखूँ थोड़े कर्व थे, ये वाला स्ट्रेट है जो पूरा इसका जो स्कल्पचर है। और मुझे कोई ऐसा लगा भी नहीं कि पीछे से कुछ जोड़ा गया हो, पर बहुत ही नाइस अच्छा से कट है, कार्विंग है। इसी के साथ यहाँ पर ये एक बैठने की सीट भी बनाई गई है, जिनको फोटो खिंचानी है तो वहां पर बैठ करके और वो फोटो खिंचा सकते हैं। अब जिस सेक्शन में मैं आया हूँ वो है पूरा बना हुआ जो बैम्बू का है, एक केव है बैम्बू की। बहुत ही मुझे तो बहुत नई सी चीज लगी और अच्छी लगी, एकदम शांति है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे काफ़ी बड़े बैम्बू के जो ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, ये देखो कितने बड़े हैं। और यहाँ पर आप मेरे साइज से कंपेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर भी एक अलग सी शांति है यहाँ पर, आप देखोगे तो बहुत बड़ा साइज़ है इनका ना, प्लांट्स का बहुत अच्छा हाइट जो है अटेन की हुई है इन्होंने। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जो है वो स्टोन की जो मूर्त है वो है गरुड़, और उस पर विष्णु जी। तो ये मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, सन की वजह से शायद आपको दिखना रही हो। तो ये गरुड़
के ऊपर विष्णु जी हैं जो वो विराजमान हैं, तो उसकी जो स्टोन की कटिंग है वो यहाँ पर लगाई गई है, बहुत अच्छी लग रही है ये भी। अगर आपको ऊपर से नीचे तक दिखाऊं पूरा, ये यहाँ पर एक और मूर्त है वो है अवलोकितेश्वरा की, जो कि साउथ इंडियन गॉड। ये अवलोकितेश्वरा की जो है वो मूर्त यहाँ पर लगाई हुई है। जय हो अवलोकितेश्वरा जी की। यहाँ से वॉकवे है, हम इधर से चलकर आगे जा सकते हैं, और चारों तरफ देखोगे तो पहाड़ ही पहाड़ है, जंगल से एकदम भरे पड़े हैं, जंगल ही जंगल है इधर। इस पूरी जगह पर घूमने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए, मतलब 4 से 5 घंटे आप लगाकर चलिएगा कि यहाँ पर लगेंगे, और मौसम ज़रूर चेक करके आइएगा। मैं दोपहर को आया था 12 बजे, और अब तक शाम के 4:30 बज चुके हैं, क्योंकि मैं बड़ा अच्छे से स्टोन्स को देख रहा हूँ, उनके बारे में जानकारी ले रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर जगह है ये जो पूरा जो टोटल है। अब पूरी वीडियो में अगर आप देखोगे ना, सुंदर सुंदर कितनी बार बोला मैंने, वो हज़ारों बार हो जाएगा। तो बट वीडियो भी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर, फ्लावर्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसा कि आप ये देख पाओगे, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं। रोज़ भी इधर लगे हुए हैं, बट अभी है नहीं, यहाँ पर फ्लावर्स आए नहीं हुए हैं। और चारों तरफ अगर आप देखोगे तो ये जगह जंगल से भरे हुए पहाड़, मतलब पूरा जो पहाड़ है, पूरा जो एरिया है, नीचे वैली, सब बहुत ही सुंदर है। तो आज की जो वीडियो है उसका जो मेन टाइटल है वो है सुंदर। हर चीज़ अच्छी है यहाँ पर, पंछी जो हैं वो चहचहा रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट जो है सेक्शन पर जाता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ कि वहाँ पर क्या है। बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म का जो मैं अगर एक पूरा जो मिक्स बताऊं मैं, वो ये जगह है। यहाँ पर अगर आपको बहुत ही शांति मिलेगी, और यहाँ पर जो है स्टोन्स के कार्विंग्स, सब कुछ, हर चीज़ क्रिस्टल्स देख कर के आपको बहुत आनंद आएगा। तो इसी के साथ मैं अपना जो यहाँ का जो सफ़र है उसे मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। फ़िलहाल के लिए गुड बाय।